हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर कॉल पर आवाज़ साफ़ नहीं आती या जाती है, और गाइस आवाज़ कट कट कर भी आती है, रुक रुक कर आती है, तो कैसे आप इसे सही करेंगे। तो देखिए, इसके लिए आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम सेटिंग्स या एडिशनल सेटिंग नाम से, जो कि सभी फ़ोन में होता है। अगर ये सेटिंग नहीं रहेगा, मैं आगे आपको एक और तरीका भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जो ऑप्शन है सिस्टम सेटिंग या एडिशनल सेटिंग, आपको इस पर क्लिक करना है, आपके फ़ोन में होगा। फिर सबसे नीचे आ जाना है, सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा बैकअप एंड रीसेट का, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा रीसेट फ़ोन या रीसेट का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स, इस पर क्लिक करने से आपके जो नेटवर्क की सेटिंग है रीसेट हो जाएगी, कुछ भी डिलीट नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है, अपना पैटर्न या पासवर्ड डाल देना है जो भी है, फिर रीसेट पे क्लिक कर देना है। लॉक स्क्रीन का पासवर्ड अगर आप कोई लगाए हैं तो यहाँ पर वो डालना है। और देखिए, यहाँ पर इस तरीके से रीसेटिंग हो जाएगा। अब इतना करने के बाद बैक आते हैं। अब यहाँ पर गाइस, अगर सिस्टम सेटिंग या एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन अगर नहीं रहेगा, तो फिर आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है, सबसे ऊपर सर्च बार में क्लिक करके लिखना है रीसेट। देखिए, यहाँ पर स्पेलिंग आप सही लिखेंगे तभी आएगा। तो यहाँ पर देखिए, रीसेट स्पेलिंग सही है। तो यहाँ पर रीसेट नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऊपर ऑप्शन मिलेगा रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स का, आपको इस पर क्लिक कर देना है, अभी जो हमने किया। फिर होम स्क्रीन पे आना है, इतना करने के बाद अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करना है, फिर स्विच ऑन कर लेना है। अब गाइस, आपके फ़ोन में प्रॉब्लम रहेगी तो सही हो जाएगी, अगर सामने वाले के फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही है तो इसी सेटिंग को आप उसके फ़ोन में कर सकते हैं या फिर उसे बता सकते हैं, फिर कोई भी प्रॉब्लम रहेगी 100% सही हो जाएगी और साफ आवाज़ में बात आप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।